हाँ जैसे सर आप तो अभी युवा ही है ना, और आप नौकरी भी कर सकते थे है ना, तो खुद के बिजनेस में आने का आइडिया कैसे मिला आपको? क्योंकि बहुत सारे युवा लोग हैं तो वो तो नौकरी को प्रेफर करते हैं आजकल। ये ऐसा बिजनेस है सर, ये रिक्वायरमेंट में चलता है, अदर सेक्टर से हटके ये बिजनेस है थोड़ा सा, तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है बिजनेस के अंदर, बाकी स्कोप बहुत अच्छा है इसके अंदर आगे जाके। इनकम कितनी हो जाती है सप्ताह के तौर पे, मंथली के तौर पे, ईयरली के तौर पे, अगर आप बताना चाहें? हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जो करते हैं एक पेट शॉप का बिजनेस। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा डॉग्स पालने का चलन बहुत चल गया है, डॉग्स हो गया, रेबिट हो गया, बहुत सारे पशु पक्षी हो गए छोटे छोटे, उनको लोग पालना बहुत पसंद करते हैं घरों के अंदर। आप भी बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी पालते होंगे। अच्छा, उसमें उनके खाने पीने का जो सामान है और डॉग्स वगैरह हो गए, वो सारी एक्सेसरीज, जितनी भी एक्सेसरीज है उनका सर का बिजनेस है। सर से मैं मिलवा देता हूँ, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सर ही देंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हमारे अपना जो चैनल है ये बम्पर कमाई, इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं अलग अलग बिजनेस के, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उनको भी देखें तो उनसे भी आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर सबसे पहले आप अपना नाम और आपकी जो फर्म है, आपका जो स्मॉल बिजनेस है, उसका नाम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना। सर मेरा नाम हीरालाल परेवा है और जो हमारी शॉप है वो शांति पेट वर्ल्ड के नाम से है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपके बिजनेस का नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बिजनेस आपने कब स्टार्ट करा, वो बताएं आप पहले। सर इस बिजनेस को मुझे स्टार्ट किए हुए करीबन 3 साल हो गया है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँ, यही आइडिया कैसे मिला आपको? आप दूसरे बिजनेस भी कर सकते थे, ये आइडिया किसी से, मतलब कहाँ से इंस्पायर हुआ आप इस चीज़ को करने के लिए, वो एक बार दर्शकों को बताएं। सर ये आइडिया मुझे मेरे फ्रेंड से मिला था, उसकी शॉप थी तो वहाँ से मुझे इंस्पायर हुआ ये बिजनेस करने का और मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया इस बिजनेस में। अच्छा सर, मैं सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन जो आता है वो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा, कितना स्कोप है इस चीज़ की, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी भाई लोग स्टार्ट करना चाहें तो कितना स्कोप है, सबसे पहले स्कोप ही देखा जाता है, वो एक बार हमारे दोस्तों को बोलना है। सर देखिए स्कोप का तो ऐसा है, स्कोप तो हर बिजनेस में होता है लेकिन सबको पेशेंस रखना पड़ता है। ये बिजनेस ऐसा है कि एक क्लास वाइज बिजनेस होता है, हर किसी को डॉग्स रखना पसंद नहीं होता, जिसको पसंद होता है वो एक क्लास वाइज डॉग्स रखते हैं, तो इसमें पेशेंस रखना जरूरी है, स्कोप तो बहुत अच्छा है इसके अंदर। अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कोई भी हमारे जो भाई लोग हैं हमें जो देख रहे हैं और आगे आने वाले टाइम पे भी देखेंगे, कोई भी भाई आपको देख के ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, सबसे पहले तो आप बताओ बजट कितना लेके चले वो? सर बजट का इसमें मिनिमम कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपए तक का बजट आपके पास में होना चाहिए, इतना शॉप में एसेसरीज वगैरह, फूड वगैरह, मेडिसिन वगैरह रखने के लिए, तो 4 से 5 लाख का बजट होना चाहिए। अच्छा, किसी भाई के पास अगर कम बजट हो तो वो स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, छोटी शॉप करके थोड़ा बहुत फूड रख के, पेट्स वगैरह रख के आराम से स्टार्ट कर सकता है। तो आपने कितने बजट के हिसाब से? सर मैंने स्टार्टिंग इसमें करी थी 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में स्टार्टिंग में लगाया था मैंने शॉप पे। अच्छा 3.5 से 4 लाख, तो अभी क्या प्रॉफिट वगैरह सब शानदार आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया आ रहा है सर, भगवान की दया सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, स्कोप भी बहुत अच्छा है बिजनेस में। कोई भी भाई अगर स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस कहाँ पे करें वो, कहाँ पे एक्चुअली? ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लोकेशन देखनी पड़ती है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है, वहाँ की पॉपुलेशन देखनी पड़ती है किस हिसाब से है, ये होता है सब क्लास वाइज बिजनेस चलता है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी गांव में वगैरह में शॉप करके बैठ गए तो वहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा, मेन मार्केट हो, अच्छी लोकेशन हो, अच्छी सोसाइटी वगैरह हो पास में, तो वहाँ ये बिजनेस चलता है। अच्छा सर ये बिजनेस हमारे भाई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखे वो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बताएं एक बार। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है सर वो है पेट के बारे में, जो भी डॉग्स वगैरह में आप डील कर रहे हो, कैट में कर रहे हो, तो उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास में पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको डॉग्स वगैरह, क्या क्या उनको फूड के बारे में भी, फूड के बारे में, उनकी एज है, उनकी मैटिंग वगैरह है, क्रॉस वगैरह कराने की जो डिटेल्स है वो सारी आपके पास में खुद के पास में पहले होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सको। अच्छा सर अभी तो अपन तो यहाँ पे तो अपन देख रहे हैं तो ये तो पूरा अभी जो उनके डॉग्स वगैरह हैं, रिपीट वगैरह जो भी है, उनके खाने पीने का ही सामान है, तो डॉग्स वगैरह की कुछ अलग है क्या? डॉग्स का सर ऐसा होता है कि डॉग्स हमें रिक्वायरमेंट पे लाते हैं, घर पे कैनल बना हुआ है तो वहाँ पे डॉग रखे हुए हैं, तो उनके पपीज वगैरह सब घर पे है, तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम लाके रख लेते हैं, अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ नहीं रख रखे। तो सर आप हमें दर्शकों को बताएं अगर वो कोई भी स्टार्ट करना चाहें तो मतलब वो कोई भी डॉग्स परचेज करें तो वो कहाँ से करें सर, एक बार अगर वो सर आपसे करें तो? सर हमारे से भी कर सकते हैं, बिल्कुल परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, या अदरवाइज किसी शॉप से ले रहे हो या किसी के पास से ले रहे हो, तो सबसे पहले डॉग में ये देखा जाता है कि उसकी ब्रीड अच्छी ब्रीड है या नहीं है, वो मिक्स ब्रीड का है, स्ट्रीट डॉग है क्या, वो सब देख के लेना पड़ता है। तो बिल्कुल शानदार बिजनेस लगा मुझे, आजकल मैं भी देखता हूँ कई जगह, मैं जिस सिटी में रहता हूँ मैं भी कई जगह देखो, और आजकल ये चलन ही हो गया कि हर घर के अंदर आपको डॉग्स वगैरह, कैट्स वगैरह, रेबिट वगैरह, ये छोटे छोटे पक्षी, मिट्टू हो गया, ये सारी चीज़ें पालना शौक हो गया है लोगों का और वो पालते हैं, अब उनको खाने के लिए तो ये चीज़ें देनी पड़ेगी, तो बहुत शानदार बिजनेस। अच्छा सर आप हमें ये बताएं, कोई भी भाई, हमें गाँव से भी बहुत सारे भाई लोग देखते हैं,
तो गांव से गांव के आसपास या फिर गांव में स्टार्ट करना चाहें तो वो वहां पे कर सकते हैं। नहीं सर, गांव में क्या होता है कि लोगों की थिंक थोड़ी अलग होती है डॉग्स वगैरह को लेके, पेट्स को लेके, तो वहां पे ये बिजनेस नहीं चलते। ये चलते हैं सिटी वगैरह में या सोसाइटीज के आसपास वाले इलाकों में चलते हैं बिजनेस। तो वो गांव से मतलब थोड़ा सिटी के तरफ रुख करना पड़ेगा, सिटी की तरफ उनको चलना पड़ेगा, वहां ये बिजनेस चलेगा वहां पे। तो आप वैसे भी देख सकते हैं आपके आसपास के एरिया के अंदर कहीं ना कहीं छोटी सिटी वगैरह या फिर कोई बड़ी सिटी वगैरह ये होगी तो वहां पे आप ये चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने जब स्टार्ट करा था तो रिसर्च वगैरह भी करी होगी आपने, है ना, ये बिजनेस कितना चलेगा, है ना, और पूरा आइडिया लेके चले होंगे जी आप क्या कहाँ तक पहुँचेंगे अपन, वो एक बार हमें हमारे दर्शकों को बताएं वो रिसर्च वगैरह सब, ताकि वो करिए खोलना चाहें ना उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले ही हो जाए, वो एक बार बताएं आप। सर रिसर्च में तो ऐसे है कि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने खुद का एक डॉग खरीदा। अब डॉग लेने के बाद में उसकी केयरिंग करना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी, उसको कैसे ध्यान रखा जाता है, कैसे उसको डाइट देनी है, ये सारी चीज़ें मेरे को ऑटोमेटिकली आती रही। शॉप खोलने का मैंने जब विचार बनाया तो मैंने कई शॉप वाले हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे टच में आया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली कैसे क्या करना है, उसके बाद मैंने ये शॉप करी। शॉप करने के बाद भी कहीं नर्वसनेस लेता है बिजनेस चले या ना चले, ये ऐसा बिजनेस है सर कि ये रिक्वायरमेंट में चलता है, अदर सेक्टर से हटके ये बिजनेस है थोड़ा सा, तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है बिजनेस के अंदर, बाकी स्कोप बहुत अच्छा है इसके अंदर आगे जाके, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिजनेस में। सर मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे सर आप तो अभी युवा ही है ना, और आप नौकरी भी कर सकते थे, है ना, तो खुद के बिजनेस में आने का आइडिया कैसे मिला आपको, क्योंकि बहुत सारे युवा लोग हैं तो वो तो नौकरी को प्रीफर करते हैं आजकल, है ना, और करना भी चाहिए नौकरी भी, हम ये नहीं कहते कि नौकरी बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन कोई ड्रीम्स अगर आपको अचीव करने, कुछ करके दिखाना है, कुछ अच्छा हासिल करना है, तो फिर तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए, क्यों सर? सर बिजनेस का ऐसा था कि एक तो मेरा खुद का ड्रीम था खुद का बिजनेस करने का, जितनी जल्दी हो सके मैं खुद का बिजनेस डालूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम आप युवा हैं, है ना, और मैंने पहले भी वीडियोस में इस तरीके के क्वेश्चन ऐड करे हैं क्योंकि आप बूस्ट हो, एक युवा ही युवा के बात को समझ सकता है, आप भी युवा हैं और मैं भी युवा ही हूँ, तो एक मोटिवेशन के तौर पर कुछ बोलना चाहे हमारे युवाओं को, ताकि वो बिजनेस को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अब बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं मेरे को कि यार इतने बड़े लेवल पे जाएंगे बिजनेस चलेगा ही नहीं वो, अरे यार आप लोग घर से निकलो तो सर देखो तो सही उस चीज को, तो सर आप उनको ये बताएं, उन हमारे युवा भाइयों को ये बताएं, उनको बिजनेस के बारे में प्रमोट करने के लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहें या फिर कुछ इंस्पायर करना चाहें तो वो बताएं आप। सर बिजनेस के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे भाई व्यूअर्स ये देख रहे हैं आपका चैनल, तो अगर आपका बिजनेस करने का गोल है कि मुझे खुद का बिजनेस कर रहा है तो उसमें सबसे पहले तो अटक रही है कि हाँ मुझे करना ही करना ये चीज़, लेकिन जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो जो चीज़ आप करना चाहते हो पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले उसके बारे में, उसके बाद में ही वो स्टार्ट करें, नहीं तो आप लॉस में जाओगे कोई मतलब नहीं रहेगा। हड़बड़ी में कोई काम करने की जल्दी नहीं है, बिजनेस सबका करने का ड्रीम होता है उसको हासिल भी करना होता है, तो पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना वो जरूरी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन लो पूरी अपना, पहले सबसे पहले तो मानस यही बना लो, हाँ नौकरी भी करो, जब तक बिजनेस नहीं है नौकरी भी करो, लेकिन ये नहीं कि नौकरी में नौकरी चीज कर ली अपन ने, प्राइवेट नौकरी में मिलता भी कितना है आजकल यार, मैं अगर सही बताऊं ना कितना मिलता है, लेकिन माइंड आपको कुछ ना कुछ अपना आजकल आइडिया इतने सक्सेसफुल होने लग गए लोगों के कि आपके अंदर कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है तो हजार तरीके हो गए उन लोगों उन आइडियो से खुद का स्टार्ट करके उनको ग्रो करने के, बहुत सारे आइडिया होंगे, बहुत सारे चीजें हो गई है जो आजकल मार्केट में चल रही है, आपको बस सोचना है उसको और एक लेवल देके उसको बूस्ट करवाना है, और इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही, हार्ड वर्क भी लगेगा और रिस्क तो लेनी पड़ती है अगर आप जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो। अच्छा सर सबसे पहले आप ये बताएं हमें कि कौन कौन से माल वगैरह, कोई भी माल अगर खोल के माल अगर लेना चाहें तो क्या क्या चीज़ें सबसे पहले कम इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मेन चीज़ें लेके आए तो वो स्टार्टिंग लेवल पे स्टार्टिंग लेवल पे आप जब वैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ये तो उसमें स्टार्टिंग लेवल पे सबसे मेन चीज़ होती है फूड। जो फूड होता है डॉग का वो नॉर्मली फूड चलता है, पेडिग्री हो गया, ड्रूल्स हो गया, ये दो तीन कंपनियाँ ऐसी है कि जो हर बार रनिंग में रहती है, तो जब भी आप ओपनिंग करो तो फूड में सबसे पहले पेडिग्री, रूल्स हो गया, नॉर्मल बिस्किट वगैरह है, बॉन्स वगैरह होती है, ये चीज़ें तो आपको रखनी होती है, थोड़े बहुत टॉयज रख सकते हो और हार्डनेस वगैरह ऐसी चीज़ थोड़ी सी डाल सकते हो आप उसके अंदर और आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो उसके अंदर। और उसमें डॉग वगैरह की सर डॉग में ऐसा होता है कि जैसे जरूरी नहीं है कि आप खुद के पास में ही सारे डॉग अवेलेबल रखो, आप जो भी आपके आसपास में शॉप है ऑलरेडी जिससे आप कॉन्टैक्ट में हो तो उनसे आप कॉन्टैक्ट में रहिए, उनसे डॉग उनके पास जो भी डॉग होता है उनकी फोटोज वगैरह सारा काम, अधिकतर ज़्यादातर काम फोन पे होता है हमारे ये वाला, व्हाट्सएप पे सारा काम होता है, डॉग्स की फोटो आती है, कस्टमर को फोटो दिखाई जाती है, वीडियो दिखाई जाती है, अगर उसे वो डॉग पसंद आता है तो हम किसी भी शॉप से या अगर खुद के पास में है तो वहाँ से लेके उस कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। सर हमें बताएं कोई भी भाई आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, मैंने जो क्वेश्चन करें वो तो ठीक है वो तो पता चल गया, लेकिन कोई भी भाई
कोई अलग से क्वेश्चन पूछ के पूछना चाहे एक्चुअली, तो मैं आपके नंबर नीचे दे सकता हूँ क्या, ताकि वो आपके आपसे कॉन्टेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछ ले। बिल्कुल सर, दे सकते हो आप मेरे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप आपके चैनल पे दे सकते हो, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस तरीके की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी कभी भी फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, से सर के नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको इस बिजनेस से रिलेटेड और भी कुछ पूछना है तो वो सर से डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। सर फ्री होने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। बंपर कमाई का नाम जरूर लेना है आपको इस चीज़ के अंदर, ताकि सर समझ जाए कि हाँ वहाँ पे मैंने मैंने वीडियो बनाया था उनके साथ एक्चुअली, तो वो चीज़ जरूर करके देखिएगा। और अगर आपको माल अगर परचेज करना हो और आपको सही में आपने मानस बनाई लिया कि हाँ यार ये स्टार्टअप मैं कर सकता हूँ और इसमें मेरा मन भी है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा खुद का भी लगाएं, क्योंकि बिजनेस आपको आगे तक लेके जाना है। आप वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि हाँ यार सही है और मैं कर लेता हूँ स्टार्टअप और फिर लॉस में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने माइंड से भी कुछ ना कुछ, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, अपने माइंड भी लगाना जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है, पूरी पूरी नॉलेज लेनी है उस बिजनेस के बारे में, तब जाके आप खुद का इन्वेस्टमेंट करें और आपको लगे ना कि हाँ यार इस बिजनेस को मैं करके ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ, मैं खुद का आजीविका इससे कमा सकता हूँ, तो ही उस बिजनेस के अंदर हाथ डालें। सर हम आप हमें अभी ये बताएं, कोई लाइसेंस वगैरह की भी जरूरत पड़ती है इसमें? सर लाइसेंस का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग पे ही लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आप पहले उसके बारे में करके देखिए, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन लग रहा है, अच्छी चल रही है आपकी शॉप, तो आगे जाके आप शॉप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सर मैं पूछना चाहूँ आपसे, इनकम कितनी हो जाती है सप्ताह के तौर पर, मंथली के तौर पर, ईयरली के तौर पर, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि मेन मोटो बिजनेस करने का मोटो पैसे के लिए ही करते हैं सब, तो आप बताना चाहें अगर कितनी हो जाती है सर इनकम का, रिटेल की शॉप में किसी भी शॉप पर चले और इनकम ऐसे कोई फिक्स नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि मार्केट डाउन होता है, कई बार चढ़ा हुआ होता है, तो अच्छी इन्वेस्ट अच्छे मतलब पूरा दिन अच्छा जाता है शॉप पे, कई बार दिन खाली भी जाते हैं शॉप पे, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इनकम। बाकी ये है कि आप सर्टिफाइज हो जाओगे अपने शॉप पे, जो भी आप दो तीन महीने दोगे उसको, दो तीन महीने में सर्टिफाइज होने लग जाओगे हाँ कि अब मेरा बिजनेस सही चल रहा है। कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहें आप हमारे दर्शकों के लिए, कुछ मुझसे छूट गया हो और आप कुछ बताना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, तो वो शब्द क्या होंगे? सर मेरा तो सबसे बड़ा एक यही मैसेज है, जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी भाई है, जो भी पर्सनल बिजनेस अपना करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले एक थिंक अपने दिमाग में डिसाइड कर ले कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, जो भी आप चीज़ आप करना चाहते हो, और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर उस चीज़ को करना स्टार्ट करना, अन्यथा आप लॉस में रहोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। अच्छा हम जो काम कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए अगर दो शब्द आप बोलना चाहें तो वो दो शब्द क्या होंगे? सर आप जो काम कर रहे हो वो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे भाइयों को, मेरे जैसे भाई जो भी यूज़ देख रहे हैं उनके लिए आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि कैसे वो अपनी लाइफ में बड़े आगे बढ़े, मोटिवेशन कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच सर आपके बहुमूल्य फीडबैक हमारे लिए देने के लिए, और थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा आपका बहुमूल्य टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के हमारे भाइयों के साथ शेयर करने के लिए। और आपसे बोलना चाहूँगा अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, सर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो सर से आप डायरेक्टली कॉल पे ले सकते हैं, करना चाहते हैं आप कहीं पे भी छोटा इन्वेस्टमेंट लगा के कर सकते हैं। ऐसे ही महानुभावों को मैं आगे आने वाले टाइम पे भी आपको मिलवाता रहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ अलग अलग कैटेगरी के वीडियोज़ वगैरह मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं अपने चैनल पर, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी किसी महान शख्सियत के साथ जो शेयर करेंगे उनके बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम सर।